हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज 10th अक्टूबर यानी कि संडे। संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इसी सेम वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अपने होल वीक करंट अफेयर रिवाइज कर लें। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF अब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है। PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स की। वेल एज यू नो, संडे को हमारा रिजर्व रहता है फॉर योर रिविजन। सो आज के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे रिमेनिंग कल हम MCQ फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का आप याद रखेंगे, सबसे पहले अंशु मलिक का नाम आपने याद रखना है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने टू विन सिल्वर चैंपियनशिप, सिल्वर मेडल, सिल्वर जीता है इन्होंने, ओके, 57 फ्री स्टाइल KG कैटेगरी में। तो नाम आप याद रखें, अंशु मलिक का नाम इंपॉर्टेंट है। एंड ये चैंपियनशिप कौन सी कंट्री में हो रही थी, ये चैंपियनशिप हो रही है, आज लास्ट दिन है इस चैंपियनशिप का, नॉर्वे में, ओके। तो ये आप याद रखें। एंड इन्होंने USA की एक रेसलर को हराया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वर्ल्ड पोस्ट डे। पोस्ट डे आप याद रखें कल के दिन यानी कि 9th अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया है। एंड इसका वेल राइट नाउ हम पोस्ट का यूज़ तो इतना नहीं करते, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी, एंड इसकी अवेयरनेस के लिए से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस बारी का थीम था इनोवेट टू रिकवर, ये आप याद रखें आज के लिए। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी आज के हम कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन कवच कुंदल ये लॉन्च किया गया। मिशन कवच कुंदल बेसिकली इसमें क्या है कि हर दिन लगभग 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना है COVID-19 के अगेंस्ट। तो ये कैंपेन है बेसिकली 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, मिशन कवच कुंदल, जिसमें रोजाना यानी कि डेली 15 लाख लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करनी है महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने जी प्रेडिक्शन लगाया हमारे GDP का फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 8.3% जो लेटेस्ट फॉरकास्ट है वर्ल्ड बैंक द्वारा फॉर साउथ एशिया, ओके। तो इंडिया का 8.3% याद रखें। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप आज का याद रखें, माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है जी, ओके। इसे ऑब्जर्व किया जाता है, इसे साल में हम 2 बारी ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था 2nd Saturday ऑफ मे, ओके। उसके बाद हमने अभी ऑब्जर्व किया है हमने 2021 के सेकेंड हाफ में 8 मई को, ओके। सबसे पहले तो 8 मई को हमने ऑब्जर्व किया, ओके, 8 मई को। एंड उसके बाद 9th अक्टूबर को यानी कि कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया। तो 2 बारी याद रखें, ये आप याद रखना आपने। एंड थीम आप याद रखें इस बारी का, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। तो आज के हो गए जी करंट अफेयर्स, बाकी जो भी रहेंगे मैंने आपको बताया कल MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। फिलहाल आज के लिए आप इतना याद रखो ना। अब मैं शुरुआत करूँ आपके रिविजन की। तो अब आप कोशिश करें आंसर्स आप खुद बता पाएं, ओके। अराउंड 60 क्वेश्चन होंगे तो इससे आपका रिविजन होगा। तो पहला क्वेश्चन है, नजला बोदेम रोमदन हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। कोशिश करें आप खुद बता पाएं इसका आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्यूनिसिया, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। देखो हर क्वेश्चन के साथ डिटेल में कोशिश करूंगा, हर क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल मिलती रहेगी एक्स्ट्रा। सर ट्यूनिसिया की बात करें तो ट्यूनिसिया की कैपिटल है ट्यूनिस, ओके, वो आप याद रखें। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इसे इनॉग्रेट किया गया कौन सी स्टेट और UT में, ये आपने बताना है। सो इसे इनॉग्रेट किया गया लद्दाख में, ओके, लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में। इसकी डायमेंशंस, वेट, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर चंद्र सिंह गरवाली इन विच इंडियन स्टेट, तो ये उत्तराखंड के थे, गांधी जी के साथ इन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान इन्होंने काफ़ी योगदान भी दिया था। तो इन्हीं को याद रखने के लिए, इनको एक सम्मानित करने के लिए एक स्टैचू का इनॉग्रेशन किया जी, ये उत्तराखंड में किया गया, ओके। देखो आपके लिए लास्ट 6 मंथ का स्पेशल ई-बुक भी बनाया गया, जिसमें आपको अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ के अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। हु इज़ अवर फॉरेन सेक्रेटरी जो 4 दिन की विजिट के लिए गए थे श्रीलंका में, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे से ऑब्जर्व किया जाता है 1st अक्टूबर को, ये आप याद रखें। 1st अक्टूबर को हमने एक और इम्पॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस डे, वो आप याद रखेंगे, ओके।
वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है जी, कर लिया गया बेसिकली 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। ओके, वर्ल्ड स्पेस वीक भी 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया गया। अक्टूबर मंथ को हम लाइक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व करते हैं। ओके, न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल, इसे डिस्कवर किया गया एक वेल में, कुएं में मुंबई में, एंड दिस न्यू स्पीशीज हाइपोजेन फ्रेश वाटर ईल, पिक्चर भी आप देख सकते हो उसकी। वाज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया। हाइड्रोग्राफर वही होता है जो स्टडी करता है अबाउट द रिवर बॉडीज, लाइक वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर, सीज, ओशंस। सो इनका नाम है आदिर अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली कालियो वॉल्केनो इरप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो कौन सी कंट्री में इरप्ट हुआ ये आपने बताना है। किला ईओ, ओके, तो ये हुआ यूएसए में। विच कंट्री हैज रिमूव द बैन इम्पोज ऑन टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया नॉट टू एंटर इन द कंट्री इन 2 व्हीकल और 4 व्हीकल्स, तो नेपाल में परमिशन नहीं थी ना, नेपाल ने जो भी था लाइक बैन था इसे हटा दिया। नेपाल इज द करेक्ट आंसर। ओके, वर्ल्ड स्पेस वीक कौन कौन सी डेट्स के बिटवीन ऑब्जर्व किया गया, आज इसका एंड भी हो रहा है यानी कि 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ओके, डिटेल पूरी दी गई है आपके सामने यहाँ, या पढ़ेंगे जरूर पीडीएफ में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ रेटिंग एजेंसी श्रीसेल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी श्रीसेल के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बने ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज अमिश मेहता। मित्रा शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये आपने बताना है। सो द कंट्री इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, याद रखें कहाँ पे हुई है, श्रीलंका में हुई, अभी चल रही है बेसिकली। वर्ल्ड हैबिटेट डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 अक्टूबर। वेल, जहाँ 2021 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये डेट फिक्स नहीं है। ओके, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इस बार ही 4 अक्टूबर को आया। ओके, घनश्याम नायक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नट्टू काका, इनका निधन हो गया जी, ये आप याद रखें। एंड हमारे एस वी सुनील जो हॉकी के प्लेयर हैं, एंड इन्होंने एंड प्रेंद्र लरका, इन दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। ओके, अभी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसकी ये टीम मेंबर थे, इस टीम के मेंबर थे। ओके, उसके बाद यूएस बिजनेस काउंसिल हैज चूजन शिव नादर एंड मालविका श्रीनिवासन एज ए रिसिपियंट ऑफ 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो दो पर्सनैलिटीज हमारे शिव नादर एंड मालविका श्रीनिवासन को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा सम्मानित किया गया विद, जो कॉर्पोरेट लीडर्स को सम्मानित किया जाता है 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से, आप याद रखें। विजयनगर हैज ऑफिशियली बिकेम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो कौन से इंडियन स्टेट के ऑफिशियल 31st डिस्ट्रिक्ट बन चुका है विजयनगर, तो ये बना है कर्नाटका का। वाडा कोलम राइज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट गॉट GI टैग रिसेंटली, सो ये है जी फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड व्हाइट अनियन इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसको भी GI टैग मिला है, ये भी महाराष्ट्र का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एज इन्फॉर्म्ड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट के तहत ऑल्सो नोन एज दवकी रिवर, सो उमनकोट, ये मेघालय में फ्लो करती है। ओके, डेविड जूलियस एंड आर्डन पाटापोपिटियन हैज वॉन नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो इन्हें सम्मानित किया गया, ये आप ध्यान रखें। ओके, वर्ल्ड टीचर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, दिस इज वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। ओके, दुरंत कप 2021 की ट्रॉफी 130वां एडिशन जो वेस्ट बंगाल में होस्ट हुआ था, किसने जीत लिया ये आपने बताना है। सो गोवा फुटबॉल क्लब। अबीम अहमद हैज टेकन ओथ एज सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, सो द कंट्री इज इथोपिया। आई होप आप कोशिश खुद कर रहे हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, एग्जैक्टली 5 अक्टूबर। एंड क्यों, क्योंकि 5 अक्टूबर 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया था डॉल्फिन को एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ओके, चाचा चौधरी को चुना गया एज द जो कार्टून करेक्टर एज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम, ये आप याद रखें। अमित शाह फ्लैग्ड ऑफ इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा, तो इसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा शुरुआत किया गया है, तो इस सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली, तो इसे
हमारे अमित शाह द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, चाचा चौधरी। ओके, वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑन 2 अक्टूबर। आपको बताना है कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है। एग्जैक्टली, के विजय राघवन इज द करेक्ट आंसर। एंड वेस्ट टू वेल्थ का बेसिकली क्या है कि जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। इंडियन मैन टीम हैज वॉन विच मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। ये आपने बताना है। तो हमने जीता है जी ब्रॉन्ज मेडल। एंड कहाँ पे हुए? कतर में हुए। किरण रिजिजू इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इन विच इंडियन स्टेट। बेसिकली जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स रहेंगे उसको सॉर्ट आउट करेगा ये आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इसे इनॉग्रेट किया गुजरात में। ओके, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन चुनेगी ये आपने बताना है। सहदेव यादव इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप कोशिश खुद कर रहे हो, डोंट वेट कि आप मैं आंसर बताऊं, पहले कोशिश कर लो एक बारी। जिमेक्स ये मैरिन टाइम एक्सेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ये आपने बताना है। सो इट्स बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके, अरेबियन सी में ये 6 से 8 अक्टूबर के बिटवीन हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज ऑब्जर्व एज द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। मैंने आपको भी बताया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी अक्टूबर मंथ। सेप्टेम्बर मंथ हमने पोषण माह सेलिब्रेट किया। ओके, सुकोरो मानेबे लॉस हेसल्समैन एंड गॉर्जियो पेरेसी इन्हें तीन को सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखो मैं पीस का बना चुका हूँ एक ट्रिक। जैसे पीस का आता तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एंड डोंट वरी, इन सबका भी मैं ट्रिक एक ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको ये कभी भूलेगा ही नहीं। अभी मैं आपको फिलहाल तो पीस का बताऊंगा जैसे ही आता है पीस का, फिर इसी तरीके से हम बाकी इनके मैं बनाऊंगा इनके ट्रिक्स। ऑसिंग डेक्स ये मैरिन टाइम एक्सेस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आप याद रखें, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है जी। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग स्वीट्स मिहिदाना, ये इसे एक्सपोर्ट किया गया बहरीन में। तो आपको बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट में मिलता है आपको मिहिदाना। तो ये मिलता हमें वेस्ट बंगाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आज़ादी एट द रेट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, इसका लखनऊ में उद्घाटन किया था। आपको बताना है इसका थीम क्या रखा गया। तो इसका थीम रखा गया था न्यू अर्बन इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया सेकेंड फेज ऑफ फ्लैगशिप मिशन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड अटल इनोवेशन फॉर रीजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अमृत, ये आप याद रखें। ओके, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्चेस एडवांस्ड ग्रीन वॉर रूम एंड ग्रीन ऐप टू एड्रेस एनवायरमेंटल इशू। तो ये स्टार्ट किया गया है बाय आवर कैपिटल न्यू दिल्ली। India's first e-fish market app has been launched by in which Indian state? तो कहाँ पे इसे inaugurate किया गया? Assam is the correct answer. Tax Inspector Without Borders इसे launch किया गया Seychelles में and India को as a partner countries में चुना गया। इससे पहले आपको याद होगा Bhutan में भी start किया गया था, उसमें भी India को as a partner country चुना गया था, जो भी audits वगैरह जो taxation related issues हैं उसमें help करने के लिए Seychelles को and India। साइचिल्स को भी हेल्प करेगा इंडिया एज ए पार्टनर एंड भूटान की भी हेल्प कर रहा है। ओके, रिसेंटली इंटरपोल द्वारा एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया गया अवेयर पीपल अबाउट साइबर थ्रेट्स। आपको बताना है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है इंटरपोल के। हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में मिलेंगे एंड इसके सेक्रेटरी जनरल है जुर्गन स्टॉक। ओके, अरविंद त्रिवेदी इनका निधन हो गया। कौन से टीवी सीरियल में काम करते थे? पिक्चर देख लिया आपने इनको, रामायण का रोल, रावण का रोल इन्होंने किया था। कॉटन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना था। तो वर्ल्ड कॉटन डे हम 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड गुजरात इज द लीडिंग स्टेट विच अकाउंट्स फॉर 26% इंडिया अकाउंट्स फॉर 26% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोड्यूस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद प्रोफेसर एरिक ए हानुशेक एंड डॉक्टर रुकमणी बैनर्जी को सम्मानित किया गया याइडन प्राइज, ये हांगकॉन्ग द्वारा दिया जाता है एजुकेशन सेक्टर में। तो ये दो नाम अपने याद रखने, ये पिक्चर्स। चुसेओक इज अ मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये कौन सी कंट्री का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सो बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? नीति आयोग का ही अटल इनोवेशन मिशन एंड इसरो एंड CBSE ने आपस में मिलके, तीनों ने मिलके मिशन अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज लॉन्च किया। सो डैट की स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जो भी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड रुचि रखते हैं बिटवीन क्लास 6 एंड 12th. हरमिलन कोर बैंस हैज क्रिएटेड ए नेशनल रिकॉर्ड इन विच इवेंट एट 60th नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन तेलंगाना. तो इन्होंने 1500 मीटर में एक न्यू इतिहास रचा. इन्होंने 1500 मीटर पूरे किए 4 मिनट 5 सेकेंड एंड 39 मिलीसेकेंड्स में. देखो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिए गए हैं जी अभी बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, इन दोनों को सम्मानित किए गए केमिस्ट्री में. नादीम अंजुम, इन्हें नामित किया गया न्यू इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का जो पाकिस्तान की स्पेस लाइक स्पाई एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका न्यू चीफ. इंडिया का तो आप लोग जानते हो सुमंत कथपालिया. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा रिसेंटली अदियूर चिली एंड कुटिया टूर मैंगो, इन्हें सम्मानित किया गया लाइक GI टैग दिया गया. आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में ये मिलते हैं आपको ये बताना. एंड एक चीज़ करेक्ट कर लूँ, सुमंत कथवालिया हमारे इंदसंद बैंक के MD एंड CEO हैं एंड इट्स समंत गोयल. ओके अगेन रिपीटिंग, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं वो हैं जी समंत कुमार गोयल एंड सुमंत कथवालिया जो मैंने बाय मिस्टेक कहा वो इंदसंद बैंक के MD एंड CEO हैं. तो करेक्ट कर लेने आप अगर आपने कहीं सुन लिया उसको बिठा मत लेना दिमाग में. अदियूर चिली एंड कुतिया तूर मैंगो इसे दिया गया, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये केरल के. एयरफोर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जी 8 अक्टूबर को. इकोनॉमिस्ट गांधी इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है. इकोनॉमिस्ट गांधी, सो ये बुक लिखी गई है जावेद राव द्वारा. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैंपेन बाय हरियाणा गवर्नमेंट, सो इनका नाम है मनिका शिवकांत. ओके विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल टू मेक मिसबिहेवियर विद टूरिस्ट एज कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. देखो लिटरेचर में भी नोबेल प्राइज दे दिए गए जी. ओके अब्दुल रजाक गुरना को दिया गया, ये आपने याद रखना है, एक ही पर्सनैलिटी है इसमें फिलहाल. तो अब पीस प्राइज भी दे देंगे. देखो मैं आपको उसका एक ट्रिक बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर भी किया है एज ए स्टोरी लाइक शॉर्ट्स में आप हमारे वीडियोस में देख सकते हो. देखो मारिया, इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया है, मारिया यू नो मारिया रेसा, मारिया इज समहाउ रिलेटेड टू मलेरिया, यू कैन राइम दिस मारिया विद मलेरिया फॉर श्योर. सो मलेरिया यू नो इंडिया इज नॉट फ्री फ्रॉम मलेरिया येट. सो ऐसा है कि हम 2030 तक 2030 तक मलेरिया फ्री हो सकते हैं. तो मलेरिया फ्री हो गए तो फॉर श्योर हमें शांति मिल जाएगी, जो डेथ्स वगैरह होती हैं ड्यू टू मलेरिया तो उनसे हमें शांति मिलेगी. तो एंड उसके बाद दिमित्री मुरतव, तो देखो मित्री MIT है, मित्री मित्र वर्ड आ रहा है लाइक MITR मित्र, मित्र का हिंदी मित्र को हिंदी में लाइक इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड. तो आपके जब अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो फॉर श्योर आपके पास आपके जो टेंशन होगी उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको एक शांति मिलेगी. इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स आपके पास एक पीस रहेगी. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. देखो मारिया रेसा मलेरिया से आप रिलेट कर सकते हो, मलेरिया भी नहीं खत्म हुआ, मलेरिया की वजह से जाने जाती हैं, जब जाने नहीं जाएंगे तो शांति मिलेगी. उसके बाद मित्र, मित्र अच्छे होंगे तो अच्छे दोस्त होंगे तो आपको फोर्स आपके पास शांति होगी, टेंशन नहीं रहेगी आपको. तो इस तरीके से आप पीस वाला आप याद रख सकते हो, बाकी मैं बताऊँगा डोंट वरी. PL करण नाथ टेक्स चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ पैराडीप पोर्ट ट्रस्ट. आपको बताना है कि ये पैराडीप पोस्ट कहाँ पे है, इंडिया का बिगेस्ट ईस्ट कोस्ट है, ये मिलेगा आपको ओडिशा में. हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है जी 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक. ER शेख, इन्होंने अज्यूम किया एज अ चार्ज लिया एज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट, जो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में मिलेंगे. एंड कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को सम्मानित किया गया APJ यानी कि अटल पेंशन योजना बिग बिलीवर्स एंड लीडरशिप कैपिटल अवार्ड से. ओके ये आप याद रखेंगे, इन्हें सम्मानित किया गया PFRDA द्वारा. ओके सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके पूरे करंट अफेयर्स का मैंने रिविजन करवाया. उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर हमारे लिए बनाए रखें. ओके आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उसी दिस इज द थिंग वी ऑल्सो वी नीड. एंड चैनल हैक हो चुका तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल चैनल का लाइक बिल्कुल आप कह सकते हो स्टक हो चुका है, बट फॉर दिस इसे ओवरकम करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए. तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें.
एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू, एंड कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।